हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज आपकी फरमाइश पर एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। किस टॉपिक पर, गेस कीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, एक बहुत बढ़िया, इम्पॉर्टेंट, अच्छा, इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको सेल्फ टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। क्वेश्चन को पॉज करिए और इसको अपने हाथों से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद फिर आप बाकी का वीडियो देखिए और चेक करिए कि क्या क्वेश्चन आपने ठीक से किया है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप इंजॉय करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, अब आप ट्राई करिए। बेटे, कॉस्टिंग में एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। होता क्या है, जो ऊपर के खर्चे होते हैं जिनको हम ओवरहेड्स कहते हैं, ये बात मैं पूरे कोर्स के अंदर 20 बार बताता हूँ। जो ऊपर के खर्चे होते हैं जिनको हम ओवरहेड्स कहते हैं, उनका कोई प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इन खर्चों को सभी प्रोडक्ट्स में किसी रैशनल बेसिस पर बांट देते हैं, ताकि हर प्रोडक्ट पर उसकी कॉस्ट का एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा चला जाए। जैसे हम बर्गर बनाते हैं, अब रेस्टोरेंट बर्गर बना, मैकडोनल्ड्स का आउटलेट है और हम वहाँ बर्गर बनाते हैं, तो जो हमारे आउटलेट का जनरल खर्चे होंगे, जैसे एसी का रनिंग, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका साफ सफाई, किराया रेस्टोरेंट का, अब ये सब खर्चे हमारे होते हैं, पर इनका कोई बर्गर से लेना देना थोड़ी डायरेक्टली। आप बर्गर को अच्छे से देखो, उसको खोल के देखो, उसकी टिक्की को भी तोड़ दो, उसके प्याज को भी तोड़ दो, टमाटर को भी तोड़ दो, बर्गर को भी तोड़ दो, अच्छे से ध्यान से उसके अंदर झांक झांक के देखो, क्या आप बता सकते हो उस पर रेंट कितना लगा हुआ है, उसमें चीज कितने का लगा हुआ है आप बता दोगे, उसका जो बन है जिसके अंदर बन कहते हैं ना, जिसमें बर्गर होता है बेसिकली, तो वो कितने का है वो भी बता सकते हो आप, लेकिन क्या आप बता सकते हो रेंट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का हिस्सा कितना है, एसी के बिल का हिस्सा कितना है, आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, ओवरहेड। तो इन ओवरहेड्स को हम सभी यूनिट्स के ऊपर बांट देते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं भाई, ओवरहेड्स का रिलेशन किन चीज़ों से, किस चीज़ पर है, ये ओवरहेड किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, या ओवरहेड किस चीज़ के साथ ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, या ये कहिए ओवरहेड्स का किस चीज़ के साथ ज़्यादा कोरिलेशन है, इस तरह हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैंने बताए हैं, जिसके द्वारा हम ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं तो उसको हम या तो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट बना के चार्ज करते हैं, या परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट बना के चार्ज करते हैं, या परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट बना के चार्ज करते हैं, या पर यूनिट चार्ज कर लेते हैं, या पर लेबर आवर्स चार्ज कर लेते हैं, या पर मशीन आवर्स चार्ज कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे जो खर्चे हैं, हमारे फैक्ट्री में लेबर ज्यादा काम करती है और जो भी खर्चे हैं वो लेबर के घंटों पे ज्यादा निर्भर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने सभी ओवरहेड्स को लेबर आवर से डिवाइड करकर पर लेबर आवर खर्चा निकाल लेंगे। मान लो हमारे टोटल खर्चे हैं 2 लाख और हमने कुल मिला के 10,000 घंटे काम किए, तो 2 लाख को 10,000 घंटों से डिवाइड कर दिया, पर घंटा क्या आ गया, 20 रुपये। अब एक हम प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें 3 घंटे काम होगा, तो हम कहते हैं भाई इस प्रोडक्ट के हिस्से में 20 × 3 60 रुपये का ओवरहेड आ गया, यानी इस पे जो ओवरहेड कॉस्ट है हमारी 60 रुपये। क्यों, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में 3 घंटे लगेंगे और जो हमारा खर्चा है वो 20 रुपये घंटा है, तो 3 घंटे के क्या हो गए, 60 रुपये, तो उस प्रोडक्ट को बनाने का हमारा खर्चा क्या हो गया, 60 रुपये ओवरहेड्स का खर्चा। फिर उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाल लोगे। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज करने के भी कई मेथड है। जो पॉपुलर मेथड है, फर्स्ट परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, सेकेंड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, थर्ड परसेंटेज ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फोर्थ पर यूनिट। इसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है, एक परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, दो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 3 नेट फैक्ट्री कॉस्ट, 4 पर यूनिट बेसिस, 5 परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
तो इनके आपको बहुत सारे क्वेश्चन में दर्शन मिलेंगे इन पॉइंट्स के, जिनमें प्रमुख है आपके ये क्वेश्चन। अभी मैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन में इस चीज के दर्शन कराता हूँ। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 नंबर में क्या हो रहा है कि उसने 91 लास्ट ईयर 91 में उसने बनाए थे 10,000 टीवी के यूनिट्स। देख रहे हैं आप, 10,000 यूनिट्स बनाए थे। बेटे आप बुक नहीं लाए, ये कोई अच्छी बात है? आप बताइए इधर, आगे से करेंगे ऐसे? चल ठीक, डांटता हूं, डांटने से चल ठीक है। 10,000 यूनिट्स लास्ट ईयर, 10,000 यूनिट्स हमने बनाए थे जिन पर हमारा ये खर्चा हुआ था। तो इसमें हम पहले लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट बना ली। तो कॉस्ट शीट का तो रिटायर्ड है फॉर्मेट है, मैंने ब्लैंक फॉर्मेट इसलिए बना के रखा हुआ है। क्या रिटायर्ड है फॉर्मेट है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ लो, प्राइम कॉस्ट, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किसी भी चीज़ का नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लिए, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ लिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट जोड़ लिया सेल्स। इसमें कोई भी प्रकार का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। मटेरियल 90,000 का लगा था लास्ट ईयर। सेलिंग एक्सपेंस नहीं, डायरेक्ट वेजेस 60,000 के लगे थे। सेलिंग एक्सपेंस, देखो सेलिंग से रिलेटेड कोई और खर्चे हैं ना, तो सेलिंग यहाँ आ जाएगा 5,500 रुपये। ठीक है, अब ये है फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ खर्चे हैं, कौन कौन से हैं? पावर कितना है? 12,000। इनडायरेक्ट वेजेस कितना? 15,000। लाइटिंग फैक्ट्री की कितना है? 5,500। डिफेक्टिव वर्क कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, अब देखो, अब डिफेक्टिव वर्क है जो काम खराब है तो उसकी रेक्टिफिकेशन है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको नॉर्मल मानते हैं या एबनॉर्मल। रिपीट, अगर आप इसको नॉर्मल मानेंगे तो ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा, और अगर आप इसको एबनॉर्मल मानेंगे फिर ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं रहेगा। तो ये बड़ा चक्कर होता है इनके अंदर कि नॉर्मल माने या एबनॉर्मल, उसके हिसाब से आपको खर्चों में इसको लेना है। अगर आप नॉर्मल मानेंगे तो ये खर्चों का पार्ट हो जाएगा, और अगर आप एबनॉर्मल मानेंगे तो ये खर्चों का पार्ट नहीं होगा। बता सकते हैं कारण? मैंने कई बार चर्चा की, एक बार और से बताइए कारण। बताइए, हाँ ये बात ठीक नहीं है कि ज़्यादा बड़े होते हैं। नॉर्मल, हम लोग कस्टमर से नॉर्मल चार्जेस ही लेते हैं। इसके लिए मैंने गाना भी बनाया हुआ आपके लिए, नॉर्मल कस्टमर का एबनॉर्मल हम, समझ गए? आप कस्टमर से सदा नॉर्मल के ही चार्ज लेंगे। तो इसको हम नॉर्मल एज्यूम कर ले, डिफेक्टिव वर्क तो हमने इसको एज्यूम कर लिया। डिफेक्टिव वर्क की रेक्टिफिकेशन कितना है? 3,000, हमने इसको नॉर्मल एज्यूम कर लिया। उसके बाद अब सेल प्रोसीड ऑफ स्क्रैप है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, दो ट्रीटमेंट बताए थे सेल प्रोसीड ऑफ स्क्रैप के, बताइए क्या क्या? एक मैंने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड में से घटा दो, दो मटेरियल में से घटा दो। तो यहां फैक्ट्री ओवरहेड में से घटा दे, सेल ऑफ स्क्रैप देख ला कितना है? 2,000 है, 33,000। 2,000 बेटा, तू मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है बेटा, बता दे। और फिर प्लांट की रिपेयर मेंटेनेंस भी 11,500 एक खर्चा हो रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस कितना है? 11,500। देखो क्या आता है टोटल कॉस्ट, चेक करो। फोर्टी फाइव
आज शिवा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहला जवाब 45,000, क्लियर। अच्छा क्लरिकल सैलरी एंड मैनेजमेंट तो एक ही खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो तो एक ही लिख दे बस 33,500, 14 इसके ब्रैकेट में लिख दो क्लरिकल सैलरी एटसेट्रा, ठीक है। तो कहता है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 31 रुपए 60 पैसे, ठीक। तो ये लास्ट ईयर की हमारी कॉस्ट शीट तैयार हो गई। अब इन सभी यूनिट्स को 10,000 से डिवाइड कर दो आप, 9 रुपए, 6 रुपए, 15 रुपए, 4.5 रुपए, 5.5 रुपए, 8 रुपए, 85 पैसे, 22 रुपए, 85 पैसे, 30 रुपए, 25 पैसे, 38 रुपए, 35 पैसे, 7 रुपए, 25 पैसे, यही आएगा ना, चेक करो कौन सा, हाँ ये 28 गलती से, वेरी नाइस योगेश कीप इट अप। अब 10,000 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 1.5 लाख, 1,95,000, 2,28,500, 2,83,500, 1 मिनट ये गलत हो गया, 55 पैसे नहीं आएगा, ये थोड़ा लास्ट का गलत कर दिया, ये 55 पैसे नहीं आएगा, समझा, 10,000 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 55 पैसे आएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा 23 रुपए 40 पैसे, देखो 2,34,000 नहीं, और फिर प्रॉफिट हो जाएगा 8 रुपए 20 पैसे, देख ना 8,82,000, फिर टोटल 3,16,000, बताओ कैसा लगा, ये हमने लास्ट ईयर का बना दिया, बताओ सही से बताओ है। अब मैं कलर चेंज करो पेन का। अब वो कह रहा है इस साल हमारा जो सेलिंग प्राइस है एक तो 31 रुपए रेट गिर गया, गिर गया 31 रुपए, और कह रहा है इस बार हमें लग रहा है हम 15,000 यूनिट बनाएंगे, नीचे वाला बी पॉइंट देखो 1992 में फ्यूचर ईयर में 15,000 यूनिट बनाएंगे, देखा फिर देखो जरा, हाँ, और बी पार्ट में ये भी कह रहा है, ए पार्ट तो हमने कर लिया, बी पार्ट में ये कह रहा है कि हम 15,000 यूनिट बनाएंगे और जो 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 फैक्ट्री ओवरहेड है ये अब ये होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, कह रहा फैक्ट्री ओवरहेड जो है एज परसेंटेज ऑफ क्या डायरेक्ट वेजेस है, तो डायरेक्ट वेजेस अब फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट वेजेस इनटू 100 करना है फैक्ट्री ओवरहेड के, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने आपके 45, डायरेक्ट वेजेस क्या 60, तो 45,000 / 60,000 × 100 75% हो गया ऑफ डायरेक्ट वेजेस, क्लियर। देखिए भी मैंने बताया था ना आपको कि फैक्ट्री ओवरहेड को हम किस पे अब्सॉर्ब कर सकते हैं, एक ही बताया था, एक ही रहा लेबर कॉस्ट, ये वाला मेथड लगा, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर देगा। फिर ऑफिस और सेलिंग कह रहा वर्क्स कॉस्ट, देखो ये वाला लगा ऑफिस सेलिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने फैक्ट्री कॉस्ट वाला बोला था ना, फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट कहते हैं, ये वाला, दोनों में नंबर 3 लगा है भाई साहब, कुदरत का करिश्मा है, दोनों तीनों में नंबर 3, इसमें भी जो मैंने नंबर 3 पे कहा है वैसा भी से कहते करिश्मा, और क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 14, 4 में से 1 घटाओ वो भी 3 आता है, कमाल मजाकबाजी है ये, कहीं सोचो ऐसा कोई लॉजिक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने, 33,500, और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 1,95,000 इंटू 100। देखना क्या आता है, क्या सेवनटीन पॉइंट वन सेवन चलता जा रहा है, 1,794.87 बस, 9.4%। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेम फॉर्मूला, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने, 5,500 अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट कितनी, 1,95,000 इंटू 100। बोला तो है ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक ही बात। कितना आ रहा है, 2.8206%। एक्चुअली दोनों मिला के 20% बन रहे हैं, रिपीट, दोनों मिला के 20% बन रहे हैं, राउंड आ गया ना। अब ऊपर वाले में देखिए, कहता है इस बार मटेरियल और वेजेस का रेट 10% बढ़ जाएंगे, तो मटेरियल हो जाएगा 9.90 रुपए का, वेजेस हो जाएगी 6.60 रुपए की। अब इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करो, एक लाख 48,500, 99,000, 2,47,500। देखो चेक करो, ठीक है ये यार। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या लोगे, 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, अभी निकाला है ना हमने, ये निकाला देखो, तो डायरेक्ट वेजेस का 75% ले लो, कितना आ रहा है, 74,250, 3,21,750। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना निकाला हमने, 17.1794%। ये आ रहा है 55,275, 55,275, चेक करो, यही आ रहा है ना, ये 75% डायरेक्ट वेजेस, इसका 75%, ये तो निकाला बेटा रेट, फर्स्ट नंबर पॉइंट देखो, फर्स्ट नंबर पॉइंट निकाला नहीं, क्या हुआ करण, प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना इसलिए मार खा रहा बेटा, तू तो इतना टैलेंटेड बच्चा है। ये आ रहा है 9,075, देखना यार थोड़ा तुम चेक करते रहना यार, ये यार चलो, अब 55,275 जोड़ो कितना हो गया, 3,77,025। 9,075 जोड़ो कितना हो गया, 3,86,100। अब 31 × 15,000 कर दो, कितना आ गया, 4,65,000। अब उसका डिफरेंस ले लो, कितना आ गया, 78,900। कैसा लगा बेटा, मजा आया, तो आपने देखा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स रिवाइज पूरा का पूरा करा दिया इसमें पॉइंट।
एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का पूरा पॉइंट करा दिया वाला। तो इससे ये फायदा होता है ना कि पिछली बार आपको उसका एक बार और इंपॉर्टेंस समझो। पिछली बार की हमने कॉस्ट शीट बनाई, उसमें हमने स्टडी किया कि ओवरहेड्स किस चीज पे डिपेंड करते, ओवरहेड को उसका एब्जॉर्प्शन रेट बनाया। अब आगे की प्लानिंग करने में क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया। अब आने वाले वक्त में हम सोच रहे हैं 15,000 यूनिट बनाएंगे और रेट तो गिर के क्या हो जाएगा 31 रुपए, तो भी हमने प्रॉफिट निकाल लिया मजे से। अब आप चाहो तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, कॉपी कर लो, मैं पर यूनिट निकालता रहता हूँ, नहीं समझे? 4.95, 21 रुपए 45 पैसे, ₹3.67, 69 25 रुपए 14 पैसे, 60 पैसे के 25 रुपए 76 पैसे, 5 रुपए 26 पैसे। देखा, अब हमारा पर यूनिट प्रॉफिट तो पिछली बार के मुकाबले कम है, काफी कम है। देखा जाए मार पड़ गई हमें, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया, डबल जूते पड़ गए, डबल पिटाई हो गई। लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट ज्यादा नहीं गिरा, पूछो क्यों? क्योंकि हमने माल ड्योडा बेचा है ना। पिछले साल कितना बेचा था? 10,000। इस साल कितना बेचेंगे? 15,000। तो सेल बढ़ाने की वजह से पर यूनिट प्रॉफिट बहुत कम करवाने के बावजूद भी हमारा प्रॉफिट जो है स्लाइटली डिक्लाइन किया। क्या किया? तो ऐसे ही लोग अपने आप को बचाते हैं मंदे के दौरान। किसके दौरान? मंदे के दौरान। बताइए कैसा लगा? आ गया आनंद? पूरा कॉपी कर लिया।